हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस अभी हम सियालदा आ चुके हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ के पब्लिक को सब पता नहीं किस दौर में। यहाँ पे मेरा बैग है, ये मैं हूँ, और अभी मैं दीक्षु को आया हूँ पिकअप करने के लिए। मैं खड़गपुर से आ रहा हूँ और दीक्षु बीकानेर से आ रही है। ये सियालदा को थोड़ा डेकोरेट किया गया है, तो अब हम प्लेटफॉर्म टिकट लेके अंदर जाएंगे और सियालदा से मिलेंगे और देखेंगे 15 दिन बाद मिल रहा उसका क्या एक्साइटमेंट है, कैसा एक्सप्रेशन है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अंदर में। और मैं अभी बहुत पसीना पसीना हो रखा हूँ, तो मैं फ्रंट कैमरा से आपको दिखा नहीं पाऊँगा। चलिए फिर भी फ्रंट कैमरा से आके दिखाते हैं। फ्रेंड दीक्षा का वेट कर करके मैं परेशान हो गया हूँ। देख सकते हो आप टाइमिंग 8 बजने वाला है गाइस। सुबह से मैं परेशान हूँ और पीछे एक अच्छा धुन चल रहा है भारत के अकॉर्डिंग, देश के राष्ट्रपति के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है ये सॉन्ग सुन के, और टाइम पास हो नहीं रहा। बहुत एक्साइटेड हूँ दीक्षा से मिलने के लिए, देखता हूँ दीक्षा कितनी एक्साइटेड है। तो गाइस जल्दी से टाइम पास हो जाए, ट्रेन आ जाए। एंड इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और ट्रेन अभी आने वाला है थोड़ी देर में, और हमारा मैं तो थक गया पूरा इंतज़ार कर करके। आप देख सकते हो पैर का अवस्था मेरा क्या हो गया है। तो जैसे ही अब आएगा देखते हैं, थक चुका हूँ, एक्साइटमेंट तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पर देखते हैं अब धीरे धीरे एक्साइटमेंट, दिल धक 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 कर रहा है। 15 दिन के बाद मैं दीक्षु से मिलने वाला हूँ, तो चलिए ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही ट्रेन आएगा हम आपको दीक्षु से मिलाते हैं। यार सबका ट्रेन आ गया, या दीक्षु का ट्रेन क्यों नहीं आ रहा यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ। दीक्षु तुम आज कितना ही मुझे परेशान कर रही हो। दीक्षु देखो सभी लोग खड़े हैं, सब लोग खाली है, कोई इंतज़ार नहीं कर रहा किसी का, पूरा प्लेटफॉर्म ही खाली है। मैं अकेला बाबला सा हो रखा हूँ दीक्षु के लिए। देखते हैं गाइस। फ्रेंड सबसे बड़ा टेंशन की बात यह है कि डिस्प्ले में भी आ नहीं रहा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे आएगी, और यहाँ टोटल 4 ही प्लेटफॉर्म है सियालदा में, और जिसमें से एक प्लेटफॉर्म खाली है, तो हमने तुक्का मार दिया है। और मुझे पता है कि दीक्षु का सीट जो है B6 में है, और B6 एकदम पीछे पड़ेगा, तो मैं काफ़ी, आप देख सकते हो काफ़ी, मैं वहाँ एकदम वहाँ से यहाँ तक आ चुका हूँ, और अगर ये प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं आती है तो गाइस मेरा तो वाट लग गया। अब देखते हैं कि मेरा प्रेडिक्शन कैसा जाता है, और अगर प्रेडिक्शन सही गया तो जल्द से जल्द दीक्षु से मुलाकात हो जाएगी। और इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है, काफ़ी अब चेहरे पे थोड़ा खुशी भी आ रहा है, एक्साइटेड भी हूँ अब। तो देखते हैं गाइस, सिग्नल तो अभी तक पीछे का रेड ही दिख रहा है, जैसा आप देख सकते हो रेड दिख रहा है, और ये ग्रीन कब होता है। तो चलिए मज़ा आ रहा है गाइस। बात कहनी थी, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जब आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे होते हो ना कि ये चीज़ कब होगा, और जल्दी जल्दी आप सोचो कि वो चीज़ जल्दी हो जाए, तो उस समय ना समय तो और भी बिल्कुल नहीं बीतता है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। मैं यहाँ 6 बजे आ गया हूँ, और मैं पिछले 2 घंटे से दीक्षु का इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं दीक्षु को रिसीव कर लूँ, और दीक्षु से हम लोग की मुलाकात हो जाए, और जल्दी से घर जाके थोड़ा हम लोग अच्छे से टाइम स्पेंड करें। तो देख सकते हैं मेरा लगेज, मैं भी अभी ट्रैवल करके आया हूँ, और पता नहीं यार अभी कब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होगी और कब ट्रेन आएगा, देखते हैं। और अगर ट्रेन जल्दी टाइम पे आ जाता है तो आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि असली मज़ा तब आता है यार कि लगता है ट्रेन आने वाला है, प्लेटफॉर्म नंबर चेंज हो चुका है, और कुछ की लाइट मुझे दिखा था अभी, और वाह ये मैं क्या देख रहा हूँ, ट्रेन आ रही है यार, हमारी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। देखो पीछे एक लाइट दिख रहा होगा आपको, और जैसा आप देख सकते होंगे लाइट दिख रहा होगा, बैक कैमरा ऑन करते हैं गाइस, और ट्रेन आ रही है, मज़ा आ रहा है। और ये कूली भाई साहब लोग जाना स्टार्ट कर दिए, मतलब ट्रेन आ रही है। और गाइस मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये लाइट जो आप देख रहे हैं ये ट्रेन का है, और इसी ट्रेन में हमारी जो है दीक्षु रानी बैठी हुई है, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। तो ये बहुत बहुत ऐसा मौका बहुत कम मिलता है लाइफ में जब आप अपनी वाइफ को रिसीव करो, क्योंकि आप साथ में ट्रेवल कर रहे होते हो, तो ये एक्सपीरियंस आप नहीं गेन कर पाते हो। तो जब आप अलग अलग उसे रिसीव करने जाते हो तभी ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलता है।
और ये एक्सपीरियंस सभी को लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहता है और मज़ा भी आता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम दिक्षु का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन घुस रहा है। तो गाइस इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और ये हमारा 7-8 घंटे वाला ट्रेन जो लेट है दुरंतो ये आ चुका है। भाई साहब बहुत लेट कर दिया आप आने में, तगड़ा लेट किया है आपने यार, मानना पड़ेगा आपको भी। और ये रहा हमारा दुरंतो भाई साहब। इंतजार की घड़ी ख़त्म हुई और ट्रेन हमारा आ चुका है। अब चीज़ों को रिसीव करते हैं, बैक कैमरा ऑन करते हैं। तो गाइस ये है डब्बा और ये दीक्षु आ चुकी है, जल्दी उतरिए दीक्षु। अब दीक्षु को हमने रिसीव कर लिया है। तो और कैसा रहा दीक्षु आपका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करिए, घर में बताएगी दीक्षु बता रही है। तो गाइस जैसा देख सकते हैं ये हमारा डब्बा था दीक्षु का। तो आपका कैसा रहा पूरा ओवरऑल जर्नी, एक तो शब्दों में बता दी। चलिए तो फ्रंट कैमरा ऑन करके तो दिखाते हैं दीक्षु और मैं अभी। तो फ्रेंड हम दीक्षु से मिल चुके हैं और खूब ज़्यादा अपने एक्साइटेड थे, दीक्षु भी खूब ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत मज़ा आया। 15 दिन के बाद हम लोग मिले, तो चलिए हम लोग चलते हैं घर चलते हैं, बाकी एक्साइटमेंट घर पर दिखाएँगे। बाय दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। टप पत्ती दिवाए थे रिसीव करने, मैंने इनको कूली बना दिया, देखिए कितना सारा सामान पकड़ के जा रहे हैं। और ट्रेन इतना लेट था ना, बहुत परेशानी हुआ। दुरंतो ट्रेन नहीं था, अब इसका नाम रखना चाहिए था, लोकल ट्रेन। हर एक स्टेशन में रुक रहा था और देखिए काफ़ी भीड़ है, सब लोग परेशान है, सब लोग बच्चे बूढ़े जवान सब लोग परेशान। गाइस दीक्षु को तो हमने रिसीव कर लिया है और साथ में कूली भी बन गया, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार। नहीं होगा कूली ना, ना बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। और दीक्षु अभी उदास है, आवाज क्या कर रहा है पता नहीं। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं।